बहुत ही ध्यान से देख रहा था बट इट्स माई जॉब आई लव इट एंड क्वीन इज़ अ फ्रेंड एंड वी आर ऑल हियर फॉर हर टू सपोर्ट हर शी इज़ वेरी गुड शी इज़ वेरी फोकस्ड इन व्हाट शी डज एंड आज के कुछ पीसेस जो थे बहुत ही खूबसूरत थे स्पेशली देयर वर दीज बिग चंकी इयर रिंग्स विच आई लव एंड आई सॉ द मैन विद दैट बिग फ्लावर देन देयर वॉज दिस ब्यूटिफुल स्क्वेयर नेकलेस विच वॉज वेरी ग्रैंड सो लॉट्स ऑफ गुड ब्यूटिफुल पीसेस स्टेटमेंट मेकिंग पीसेस एंड सो वॉज अ फन शो Sometimes for me it's so relaxing to see a fashion show where they're not my clothes there's not nothing for me to do just simply watch and enjoy so I enjoyed it thank you so much बहुत अच्छा था मैं डेजा वो में चला गया था अपने 10 साल पुराने करियर में जब मैं बॉम्बे नए नए आया था और मैंने रैम से अपनी मॉडलिंग डेज की शुरुआत की थी आफ्टर ग्रैसे मिस्टर इंडिया सो काफ़ी अच्छा था टू कम बैक आफ्टर लिटरली आफ्टर 9-10 ईयर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वेर आई स्टार्टेड फ्रॉम या सो एक्साइटेड लॉट ऑफ मेमरीज केम बैक एंड आई एम हैप्पी एंड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बी पार्ट ऑफ दिस बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक एंड आई थिंक यस आई हैड फन वेल उन दिनों गुफअप्स बहुत होते थे बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग एंड आई स्टार्टेड एज अ मॉडल तो गुफअप्स बहुत होते थे सो आई रिमेंबर देयर वॉज अ गुफअप दैट हैड हैपेंड इन माई इनिशियल शोज बट आई गेस नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड आई थिंक आई एम अ प्रो नाउ सो या इट्स हैप्पी आई थिंक आई एम सैटिस्फाइड एंड द शो वॉज ब्रिलियंट आई मीन द कलेक्शन इज ब्रिलियंट एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल दैट क्वीनी gave me an opportunity to be a part of her daughter's collection. Tiara, very vibrant and fine upcoming designer. She has got this beautiful ornaments and jewelry that she's been working on. Yeah, it's really a long way for Tiara, for sure. Right. Well, yes, as I said, जैसे मैंने आपको बताया कि टियारा एक बहुत ही यंग एंड अपकमिंग ज्वेलरी डिज़ाइनर है सो अ थीम वॉज वी म्यूचुअली डिसाइडेड दैट वी शुड यूज़ द थीम ऑफ शिवा शी इज ब्रिलियंट शी हैज़ गॉट दिस ब्यूटिफुल ओम पेंडेंट दैट शी गेव मी एंड देन शी हैज़ दिस ब्यूटिफुल ईगल विद मी एंड देन शी हैज़ अ शिवा रिंग शी इज अ शिवा डिवोटी एज़ वेल एंड देन वी हैव अ And then so we have this as well. So yeah, she's here. Yeah, actually meri daughter ka tha, the whole men's collection. But I can't find my daughter. So I will talk about it. Ye inka collection hai jo it's a kind of a blend between contemporary and spiritual. So you'll see metal chains and all with Om. You'll see Lord Shiva in a pendant which is in a different way. And who else better than for Mohit to carry it off? And he did a great job. Thank you. As I just said, Tiara is an upcoming and bright designer. She's a really, really long way to go. And I'm really thankful that Queenie and Tiara mutually thought of me being the face of the jewelry, and I'm honored. And yes, we had a great show, and yes, we're doing good. Inspiration behind this collection is my daughter's thinking, but my collection was it's for the lady who looks ahead, who doesn't look behind, who looks forward, moves towards the light. And has a way to express. Also, जो men का collection है, time आ गया कि men भी अपने आप को express करें. और अगर उनको jewellery पहननी है, तो किस तरीके से पहनें. और कभी-कभी हम सोचते हैं कि men allowed नहीं है jewellery पहनना, but just see how beautifully men can express themselves. Thank you so much. सवाल पूछ लीजिए इनका लम्हा इनका है ये बोलेंगे I loved it
I loved it. So Queenie ma'am was absolutely fabulous. I absolutely love her jewelry, and it was amazing collaborating with her for my collection. So I presented around 7 pieces in the collection. So it was titled Behind the Armor. बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं संगीत की दुनिया से हूँ. मेरी बेटी अनमोल संगीत में है. मैं छोटी वाली अदा एकदम फैशन में आई हुई है. और आज इन्होंने जो क्वीनी जी की ज्वेलरी पर अपने गाउन्स शोकेस किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. द शो वाज फैंटास्टिक एंड आई लव टाइम्स फैशन वीक एज वेल. आई जस्ट हैड अ फैबुलस टाइम. बहुत अच्छा फैशन वीक है टाइम्स का. और ख़ास करके अभी ये फ़िलहाल पेरिस से आई है, इसके कलेक्शन वहाँ भी बहुत फेमस हुए हैं. तो खुशी होती है कि आज ये मौका मिला. और क्वीनी जी को धन्यवाद, बॉम्बे टाइम्स फैशन को धन्यवाद. थैंक यू. वाइट थीम थी आज की, सफ़ेद रखा गया, तो उसके बारे में, थीम के बारे में ज़रा आप हमें बताइए. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. आई ट्राई प्लेइंग विद डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट एंड जस्ट बीइंग ऑल रोमांटिक. सो माई रोमांस शोज इन ईच वन ऑफ माई पीसेस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Jewelry of course is done by Queenie ka show tha, and I think all the pieces were beautiful, and it's part of our art deco collection. And what I'm wearing today, I think Queenie should talk about it. You should tell them what this is. Well, she's wearing a emerald necklace, bilkul bhara hua hai par fir bhi delicate hai. So even though jaise bana hai mesh type bana hai to lagta hai भारी है, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी डेलिकेट. यू नो ऑनेस्टली मैं वही आई वॉज डिस्कसिंग विद क्वीनी एक्चुअली कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पीसेज नहीं पसंद है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई लाइक अ स्टेटमेंट पीस विच इज़ वेरी अंडरस्टेटेड लग्जरी. बहुत लाउड नहीं है, इट्स नॉट लाइक शाउटिंग दैट अरे इतना एक्सपेंसिव पहना है. यू नो इट्स गॉट सो मच ग्रेस एंड एलिगेंस इन इट, एंड दैट्स आई थिंक व्हाट इज स्पेशल अबाउट हर ज्वेलरी. एंड लुक एट द वे शी इज कैरीड इट ऑफ, इतनी सुंदर लग रही है. एक मेरी मदर का ऐसा ही सिमिलर, पहले कहते थे वो हार होता था, यू नो जाली वाला काम होता था, सो वो मुझे बहुत पसंद था. एंड शी वोर इट ऑन हर वेडिंग, तो वो उन्होंने मुझे दिया था, एंड आई वोर इट ऑन माई वेडिंग. सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशल, वो अभी भी है मेरे पास. यस, सो दैट स्पेशल. जब आप रैम पर होती हैं, ढेरों सारे लोगों की नज़रें आप पर और ढेरों सारे कैमरे आप पर होते हैं, क्या कुछ फीलिंग होती है? मैं सोच रही थी कि कमेंट्स में क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में लोग क्या लिखेंगे. वेल आई मीन द ओनली थिंग इज दैट यू वांट टू फिनिश दैट रैम्प वॉक, या यू नो यू डोंट ट्रिप. एंड इतनी मेहनत जाती है इन पुटिंग द होल शो टुगेदर दैट यू रियली वांट टू डू फुल जस्टिस टू इट. सो बस यही होता है, आई होप आई डोंट ट्रिप, दैट्स द ओनली थॉट दैट आई हैव. या थोड़ा सा अपनी साड़ी के बारे में बता सके, जो थोड़ा सा बहुत ही स्टाइलिश है.
ये ईशा राजपाल ईशा राजपाल हैज डन द ड्रेसिंग. सारे ड्रेसेस उन्होंने डिज़ाइन किए हैं आज. ब्यूटिफुल अगेन. और मुझको लगा कि बहुत ही अगेन अंडरस्टेटेड लग्जरी था. दोनों चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी. तो बहुत ही इट वॉज अ ब्यूटिफुल वेरी प्रिस्टीन शो. यू नो आई मीन दैट्स व्हाट आई फेल्ट वेरी ग्रेसफुली डन. सो इट्स अ लवली शो. थैंक यू. Thank you and you made it beautiful. Yeah, thank you. Well, at the moment I'm really sorry. I wish I could. लेकिन एक फिल्म है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ. We should be announcing that very soon. और एक वेब सीरीज है जिसमें मैं शायद एक्ट करूँगी. So we are in talks with both of them. So yeah. वेब सीरीज ड्रामा रिलेशनशिप बेस्ड है. एंड there are a lot of people in it. मैं अकेली नहीं हूँ. Sorry? Well, this is one of the platforms, not Netflix. It's one of the platforms. साड़ी ना सिर्फ एक पोशाक है लेकिन साड़ी ना सिर्फ एक पोशाक है. मैं मानती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने की आवश्यकता है. आज जैसे कि आपको पता है हमने एक ट्रिब्यूट किया था ताकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो भारत को सुरक्षित रखते हैं उनको कदर और उनको सम्मानित किया जाए ताकि हम बता सकें कि आज जो मुंबई शहर और पूरे देश सेफ हैं तो उनके वजह से उनके बलिदान के वजह से. और मैं मानती हूँ कि ग्लैमर का पर्पस रहना बहुत ही ज़रूरी है. बहुत सारे शोज़ हैं जो मीनिंगलेस हैं लेकिन एक सोशल कॉज होने के नाते बहुत ही अच्छा लगा. मैडम आप बताइए कुछ जरा आपकी साड़ी के बारे में एंड डिज़ाइन के बारे में. या फर्स्ट व्हाट एवर आई एम वेयरिंग जस्ट बिकॉज ऑन माइक. नो आप थोड़ा माइक के पास. हाँ जी हाँ जी. शी सजेस्टेड मी एंड शी गाइडेड मी वेयरिंग ऑल दिस आउटफिट. So I'm feeling very, very happy and very proud, whatever I'm wearing. And she gave us such a good opportunity for this show. And being an army officer wife, I really feel very proud that my husband is a part of this song. Thank you so much. Okay, ma'am, last question. What was the inspiration behind your collection? That's my collection. Yeah. What is the collection? मैं मानती हूँ कि साड़ी इज़ द मोस्ट अंडरस्टेटेड गारमेंट बट इट मेक्स यू लुक एक्सट्रीमली एलिगेंट. एंड वी मस्ट फोकस ऑन इंडिया बीइंग ऑन द इंटरनेशनल मैप थ्रू अ साड़ी रादर देन अ कॉकटेल गाउन. सो आई हैव ड्रेप्ड द साड़ी इन 54 डिफरेंट स्टाइल्स एंड द इंस्पिरेशन इज़ प्योरली फ्रॉम इंडिया. एंड शाना जी इसके अलावा कैसी चल रही है इलेक्शन की तैयारियाँ क्योंकि हर स्टेट में डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है. इसके बाद इलेक्शन लेकिन हमारे पास एक चौकीदार है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी और हम बिल्कुल जानते हैं कि वो जीत के आएंगे. पूरे देश में स्थिरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और वो आपको देखने मिलेगा. थैंक यू जी. थैंक यू. डन. थैंक यू. So carefully, let's start living dangerous. देखिए जैसा इन्होंने कहा रैंप पे वॉक करने वालों को ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. देखने वालों के लिए तो बहुत आसान होता है यहाँ से वहाँ पर. आई एम श्योर इट वॉज ग्रेट. आई मीन एज अ शो स्टॉपर शी वॉज वेरी गुड. द होल कलेक्शन वॉज सुपर. आई जस्ट एंजॉय इट. सभी का डर रहता है.
वेलकम लॉर्ड, दिस इज योर सबसे पहले कह दूंगा जी जी मैं ये जब बोल रही थी गायत्री तो मैं सोच रहा था अगर इतना ब्यूटीफुल डेंटिस्ट होता आई विल हैव अ रूट कैनल एवरी डे। ऐसे डॉक्टर के पास कौन नहीं जाना चाहेगा जब इतना डॉक्टर खूबसूरत हो। लेकिन निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस तरह जो आज जैसा इन्होंने वॉक किया और जैसा कलेक्शन था, आई थिंक ये एक आर्टिस्ट के एक एक्टर के आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ों का संगम है, खूबसूरती और आत्मविश्वास। ऐसा है कि ये हमारे सारे बच्चे हैं और वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दीज आर स्टूडेंट डिज़ाइनर्स, दे आर एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स, दे आर नॉट लाइक फेम डिज़ाइनर्स। सो इट्स नॉट ईजी फॉर देम। जब हम बच्चों को कलेक्शन बनाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट फ्रॉम मूड इंस्पिरेशन से लेके फाइनल तक। एंड देन व्हेन सेलिब्रिटीज लाइक हर वॉक, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अस, फॉर द डिज़ाइनर्स, फॉर द एंटायर कॉलेज। सो वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक and I think every time we are improving and mashallah one day these girls would be the designers of the future. Yeah, I'm very happy with my collection. I believe we have given justice to our collection. Ma'am is looking beautiful actually, and I would like to say thank you to Dhawan sir who gave us such a beautiful platform. We are very happy. The silhouettes we have used, the flowy kind of gowns with the beautiful colors, you can see the different beautiful colors in our collection. So it's a ocean. In a short time on the ramp to present a collection in 9 garments, the ocean. Difficult, but they tried to bring in all elements together. Yeah. And we're really actually thankful to the faculty and the management to give us this chance, and they've always supported us. So that's the reason we are on such a prestigious platform. So really thank you, sir. Yeah, I'm thankful to all of them. Thank you, Bombay Times. Thank you to beautiful Gayatri. Thank you to Lodha ji for giving us inspiration, for saying kind words about us. It means a lot, you know, when people like them talk about us, it gives us courage to do more. And Bombay Times has been hosting this amazing fashion week for so many years now. So I think it gives us also a chance to fulfill our dreams to walk the ramp and to represent the designers. And we feel so a huge thank you to them. Thank you so much for having me as your showstopper. Lodha ji, take photo. फोन किसी का हो जाए यार, जैसे डोंट गो, आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स। क्लास यही बताएंगे, पहले ये बताएंगे फिर आप कैसे लग रहे हैं। आप हां, नो वे, आप कैसे लग रहे हैं। वेट, आई एम कमिंग 5 मिनट्स। या हां जी, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि ब्लैक थीम आपने यूज की, पूरा ब्लैक आउटफिट में सभी को प्रेजेंट किया। एनी पर्टिकुलर रीजन, कोई खास?
वो बॉम्बे का जो कंट्रास्ट है जो जो उसको हमने पहले वाइट से स्टार्ट किया और फिर उसको ब्लैक में ले गए. सो दैट वाज द आइडिया एंड द पूरी थीम बॉम्बे की थी. सो यही वजह था कि हमने ब्लैक और वाइट यूज़ किया कि कितना कंट्रास्ट है इस सिटी में. इनके ड्रेस को थोड़ा सा आप करना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे क्या प्रेजेंट किया है आपने? इन्होंने पहले एक बहुत ही टाइट फिटेड नैरो और बहुत ही फाइन फैब्रिक का एक बहुत हार्ड या एंड देन देयर इज अ लूज पैरेलल पजामा काइंड ऑफ पजामा फिटेड थिंग एंड देन दे हैव दिस मिड लेंथ कुर्ता एंड देन देयर इज एसिमेट्रिक फ्लेयर्ड जैकेट. दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन माय माइंड. आई वाज लाइक आई वांट टू पार्टी. मेरे को लग रहा है ये पार्टी चल रही है मेरे लिए. इनफैक्ट आई फेल्ट वेरी गुड. आई फेल्ट लाइक ये पूरा सेट जो है मोइन भाई का गैराज है. या मैं 10 साल से बॉम्बे में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर. तो और उसके पहले मैं स्टेज पे भी टाइम बिता चुका हूँ तो स्टेज के साथ मेरा एक फेमिलियरिटी है. मुझे डर नहीं लगता. हालांकि हल्की सी घबराहट होती है उतरने से कुछ 30 सेकंड पहले, लेकिन उतरते आपको लगता है ये तो मेरा घर है. आई फील वेरी गुड एट ऑन स्टेज. सो इफ इट इज़ अ स्टेज फॉर अ प्ले और इफ इट इज़ अ स्टेज फॉर अ फैशन शो, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. इन फैक्ट इट्स अ लॉट ईजियर टू वॉक ऑन द रैंप देन टू डू प्ले. मेरा स्टाइल मंत्र आई थिंक कंफर्ट एंड थोड़ा सा विंटेज, थोड़ा सा रेट्रो. ये मेरा स्टाइल. मुझे लोगों ने रिलीज से पहले पूछा था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैं बोलता था कि शायद बदलेगी, पता नहीं क्या होगा. बट अभी लग रहा है कि बदल गई है. हाँ, फर्स्ट डे जाके देखी. फर्स्ट डे पहली फिल्म होगी मेरी लाइफ की जो मैंने फर्स्ट डे देखी हो. मोइन भाई और बड़े बड़े वाह. It was about Bombay, like how I celebrate Bombay, and so that was the theme. And then we started working on it. Okay, Vijay Singh sir, what upcoming projects are coming? अभी तो एक बमफाट नाम की एक फिल्म आने वाली है जो अनुराग कश्यप सर प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक इम्तियाज अली जी के साथ एक वेब सीरीज कर रहा हूँ वो भी आ रही है. अभी बस मेरा एक और एक दो दिन का काम बाकी है. टोटल 4-5 दिन का काम बाकी है शो का. इम्तियाज अली बताएंगे. बहुत ज़बरदस्त सूफी आदमी है. इतने प्यार से काम करवाते हैं. बहुत ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को. बहुत मतलब डेलिकेटली एक्टर्स को सब समझा देते हैं कि करना क्या है. एक्टर्स खुद से रिलैक्स कर लॉट ऑफ क्वेश्चन. बहुत आर्ट पब्लिक क्या बोल रही है. जी मेरे को लगता है ये बहुत पहले नसीर साहब ने बोला था कि एक्टर तब बड़ा बनता है जब उसके कैरेक्टर को लोग पहचाने. जैसे मुन्ना भाई और सर्किट के नाम, मतलब विजय जो मिस्टर बच्चन ने आइकॉनिक बनाया है. तो इनफैक्ट इट्स अ गुड साइन बिकॉज लोग इन्वेस्टेड हो चुके हैं कहानी में. उसका मतलब है कि कहानी में पूरी तरह घुस चुके हैं, उस वर्ल्ड को पूरी तरह अपना चुके हैं. तभी वो लोग उस वर्ल्ड के कैरेक्टर्स, लोकेशन, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ को ध्यान रखते हैं. तो इट्स अ गुड साइन. ये ज़ोया अख्तर की विक्ट्री है कि हम सब के कैरेक्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं, उनके नाम बोले जा रहे हैं. तो इट्स वेरी बहुत ही कमांडिंग डायरेक्टर है और बहुत अच्छी राइटिंग है. ये मैं नहीं, जावेद साहब भी कहते हैं. मेरा ड्रीम था बच्चन साहब के साथ काम करने का. वो बहुत मैंने अचीव कर लिया. हालांकि वो वैसे वाला ड्रीम है कि बार बार आपको लगता है कि लालची होके वापस उनके साथ कुछ करूँ क्या. तो वो उनके बाद फिर आप एक बार आप जब बच्चन साहब को देख लेते हो, उनके साथ काम कर लेते हो, तो फिर आप स्टारस्ट्रक होना बंद हो जाते हो. क्योंकि आपने मतलब आपने जो है बंगाल टाइगर को एकदम वाइल्ड में देख लिया है. उसके बाद में बाकी कुछ देखना नहीं रहेगा. मैं एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स में करना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं कॉमेडी में कुछ करने की मेरी बहुत इच्छा है.
इसमें. थैंक यू सो मच. फैंस को मैं बोलूँगा भाई लोग, आप लोग का सबका प्यार मिला मेरे को, बहुत अच्छा लगा. ये तो आप लोग का प्यार है इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और पहली बार लाइफ में एक शो का, फैशन शो का शो स्टॉपर बना हूँ. तो थैंक यू सो मच. Well, we all know that I was a showstopper for her, and it's amazing that I could work for her because honestly, I just love the outfit. And I think जब आप showstopper बनते हो तो कहीं ना कहीं एक responsibility भी कहीं ना कहीं होती है, because designer feels that this is like the bestest amongst the overall collection that she's showcasing today. And obviously, I hope जो उन्होंने you know सोचा होगा, आई होप कि मैंने उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया. एंड यू नो समवेयर एज अ शोस्टॉपर यू फील दैट यू नो यू वांट टू यू नो फुलफिल व्हाट अ डिज़ाइनर हैड थॉट फॉर यू और अबाउट द ड्रेस यू नो विद यू. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड स्पेशली टू वर्क फॉर हर. थीम के बारे में थोड़ा अगर आप हमें बता सकते हैं. आई डिडंट हैव एनी पर्टिकुलर थीम, बट आई मिक्स्ड फर्स फ्रिल्स टैसल्स ये सभी इसमें मैंने ऐड किया है, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक थीम. ऐसे आपकी डॉटर भी है, आप लोगों ने थीम के बारे में जरा बताइए. It's actually a mix of both traditional and modern, more wearable, more pastel colors. We've mixed a lot of furs and tassels and stuff that is, it doesn't die. It's always, you know, something that's over time going to be in fashion and in trend. And so we are catering for all crowd. It's not only high crowd, it's middle, upper middle class crowd, for everyone. Like, we want to cater for every crowd, like, you know. I think obviously because जब designers initially जब costume को ready करते हैं, when they think of a concept and to participate in a show, that time they don't have a clear vision who their showstopper is gonna be, you know. And then later when everything progresses, तब जाके you know you decide कि okay, I think this is you know the showstopper I want to go for. So I think कहीं ना कहीं length को लेके थोड़े issues होते हैं मेरे साथ हमेशा, because I'm not that tall. But I'm glad कि ये easily fit हुआ है. थोड़े alterations थे जो भी हमने किए, which is very like it's a very normal thing jo hota hai, but I think I walked well. So thoda sa lifting hota hai because I don't want to trip, but I think it was a good walk. You all don't think so? No. Obviously, because you know sari lights off hoti hai, this you know the spot is on you, so you're like okay, I know that everybody is watching you, nobody's going to ignore you. And then कहीं ना कहीं वो फियर होता है, स्पेशली ड्रेस को लेके, अगर थोड़ी सी लंबी हो या ज़्यादा यू नो कैन कैन हो, सो लाइक आई होप आई डोंट ट्रिप, आई होप आई कैन वॉक, आई डोंट वांट टू लिफ्ट माय ड्रेस अप. आई थिंक ये चार पांच चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में होती ही होती है, आई थिंक एवरी शो स्टॉपर के. नहीं इतना अच्छा नाम है. Well, I didn't look at him because obviously I would like you know I was a little cautious to be very honest, so I was just walking straight. But in the end, when the show was over, I waved at him. He's there only Alpha Olympic. Okay, बहुत सारे ऐसे rumors खबरे, तो आप जरा कुछ बताइए. लोग social media पे, आपके Instagram पे लोग बोलते हैं when you getting married. Married?
marriage is too early. Let's see. मतलब किसी को देखा नहीं कि when are you getting married. It's like so typical. You get married when you're gonna have kids. Like it's the same thing going, no? Okay, so 2019 में कुछ project अगर आप share कर सकें क्या हमें देखने को मिलेंगे इस Well, honestly, 2019 को मैं एक I've just shot for a song in Tamil, which is a Simba remake, and it's the opening of the film. So I am really looking forward to it, and I am doing another web now. So which will start post June. It's again a very क्या कहते हैं very not a very it's a very intense web. Just like how I did Zindabad, you know, something utna hi intense level ka script hai. So I'm doing that, and right now I'm doing a show which probably I'll tell you all once we take off from here. So there's a show that I'm starting from next month. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.